नमस्कार, स्वतंत्र प्रभात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस समय मैं उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कानपुर में हूं, जहां पे हमारे साथ दो बार के सांसद एवं इस समय अकबरपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी श्री राजा रामपाल जी हैं। राजा राम जी, हमारे स्वतंत्र प्रभात चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजा राम जी, आपको क्या लगता है कि अकबरपुर लोकसभा का जो इलेक्शन है, माहौल चल रहा है वोटरों का, आपको उनमें क्या लगता है कि उनका रुझान क्या है? देखो, 5 साल के मोदी के कार्यकाल से जो पब्लिक को धोखा मिला है, चाहे किसानों को हो, चाहे नौजवानों को हो, चाहे व्यापारियों को, वो बुरी तरह नाराज हैं। दूसरा नाराजगी का और बड़ा कारण है, जो मौजूदा सांसद 5 साल रहे हैं, वो कभी क्षेत्र के लोगों से ना मिले हैं, ना गए हैं, ना लोग उनको जानते हैं, इससे भी बड़ी नाराजगी है। वहीं पर हम 25 साल से पब्लिक के बीच में है, सप्ताह में 7 दिन हमारा किसी न किसी विधानसभा में निश्चित डे है, जैसे संडे, मंडे कल्याणपुर, मंगल महाराजपुर, बुध विठूर, बृहस्पतिया, शुक्र, शनिचर, घाटमपुर, निश्चित तौर पर इन सभी असेंबली सेगमेंट में सप्ताह में 1 दिन हम मिलते रहते हैं, सुख दुख में उनके साथ खड़े होते हैं, कार्यक्रम होते हैं उसमें। और इस बीजेपी गवर्नमेंट में चाहे वो भूमि अधिग्रहण बिल का मामला हो, संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष कांग्रेस ने किया है, ये महंगाई को लेकर के, चाहे वो डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, खाद के दामों को लेकर, आवारा पशुओं को लेकर, राफेल के मुद्दे को लेकर, हमने प्रत्येक तहसील, प्रत्येक ब्लॉक में संघर्ष करने का काम हमने किया है। तो लोगों को ये भरोसा है कि राजा राम पाल 25 साल से लगातार रहे हैं, तो मौजूदा सांसद बिल्कुल कभी नहीं आया, और उसका कारण ये है कि वो सांसद को नहीं वोट दिए थे, मोदी को वोट दिए थे। तो मोदी सांसद का भी कहना था कि मोदी से शिकायत करिए, तो इस बार पूरा पब्लिक मन बनाए हैं कि अब हम आपको वोट नहीं दे। रुझान को लेके मेरा सवाल पूछने का मतलब था राजा राम जी, कि अभी हाल ही में हमारी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी से बात हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि 2014 में जो देश का मूड था, 2019 में के देश के मूड में आप क्या अंतर पाते थे। तो उनका जवाब था कि 2014 में देश में मोदी की लहर थी, लेकिन 2019 में देश में मोदी की कहर है। आपको क्या लगता है, आपको इस पे क्या जवाब देना है? निश्चित तौर पर एक तरफ कांग्रेस पार्टी, जिसका इतिहास आज़ादी से लेकर अब तक स्वर्णिम रहा है, गांधी परिवार ने देश की एकता अखंडता के लिए शहादत दी है, ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच में है। एक विचारधारा गांधी की विचारधारा है, जो लोगों को जोड़ने को विश्वास करती है, जो संविधान के अनुसार चलने को विश्वास करती है, और दूसरी विचारधारा गोडसे की विचारधारा है, जो मोदी की विचारधारा है, RSS की विचारधारा है, वो संविधान को नहीं मानती है। तो मोदी संविधान लाना चाहती है, RSS का संविधान लाना चाहती है। मेरा लोगों से कहना है कि आपको चुनना है कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से देश चलना चाहिए या मोदी के संविधान से चलना चाहिए, ये पब्लिक को विचार करना है। लोकतंत्र बरकरार रखना है या तानाशाही देश में स्थापित करनी है, इस बात पे चुनाव होगा। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर पब्लिक आज समझ गई है कि अब गलत हाथों में अगर फिर बागडोर थी, तो उनके अमित शाह, साक्षी जी महाराज जैसे लोग कह रहे हैं आखिरी चुनाव होगा, 50 साल तक तो चुनाव का सपना भूल जाए, तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, संविधान नहीं रहेगा, देश की एकता अखंडता खंडित रहेगी। इसलिए लोगों का पूरा मन है कि इस बार कांग्रेस लाओ और देश बचाओ। सर, भाजपा अपने हर मैनिफेस्टो में राम मंदिर का निर्माण का मुद्दा उठाती है, पिछली बार उठाई थी, मोदी की पूर्ण बहुमत से सरकार आई, इस बार उठाई है, कांग्रेस के किसी मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा नहीं रहता है, आपको इस बारे में क्या कहना है? ऐसा है, राम घर घर में है, राम घट घट में है, राम को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है, वो जो राम को मानती है, राम की कतई नहीं मानती। राम को मानना, राम की मानने में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे हम अपने पिता को तो मानते हैं, लेकिन पिता की एक नहीं मानते, राम को मानने का मतलब है उनका नाम पर कैश कराना, और वो भाजपा कई बार कैश करा चुकी है, हम लोग उससे मोहभंग हो चुका है। और राम की मानने का मतलब मर्यादा का पालन, मर्यादा का पालन कांग्रेस करती है, पिता की आज्ञा का पालन, वो रास्ता खजाने की ओर, सिंहासन की ओर नहीं जाता, वो जंगल की ओर जाता है, त्याग की ओर जाता है।
और भारतीय जनता पार्टी राम का मंदिर का मुद्दा सिर्फ वोट पाने के लिए करती है, उसके बाद ठंडे बस्ते में डालती है, ये लोग जान चुके हैं। अब राम मंदिर से उन्हें कोई फायदा मिलने वाला नहीं। लेकिन इस बार के मैनिफेस्टो में फिर से उन्होंने राम मंदिर मुद्दा डाला है। खैर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे सर, कि जो इस समय इलेक्शन उत्तर प्रदेश की में गठबंधन बने हैं सपा बसपा का, एक तरफ भाजपा एक तरफ सपा बसपा गठबंधन है और एक तरफ आपकी पार्टी है, आपका मुकाबला क्या लगता है, सपा बसपा गठबंधन से है या भाजपा से है उत्तर प्रदेश में? हमें लगता है ये अगर सवाल सपा बसपा से पूछो, अगर वो ये कहें कि हमारा मुकाबला कांग्रेस से है, तो समझ लो ये अगल बगल भी नहीं है। यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश की जनता का रुझान, आपको क्या लगता है कि आपकी कितनी सीटें निकल पाएंगी इस बार? ये देश का चुनाव है और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस आएगी। प्रधानमंत्री कहते हैं उत्तर प्रदेश से बन के जाते हैं, उत्तर प्रदेश में फिर भी कोई एक आंकड़ा होगा कितनी सीटें आपकी पार्टी यहाँ से निकलती है? 2009 में हम लोग 22 सीटें जीते थे, बसपा 20 सीटें जीती थी, सपा 21 जीती थी, कांग्रेस बीजेपी 8-9, हमें लगता है इस बार 8-9 सीटें बीजेपी पाएगी। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इस बार भी कांग्रेस है। प्रियंका जी के कांग्रेस में आने से आपको क्या लगता है, कांग्रेस में कुछ बदलाव आया है? ऐसा ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर पूरा भरोसा गांधी और गांधी की कांग्रेस और गांधी परिवार पर था, लेकिन बीच की जो लेयर थी वो उनमें रिक्तता थी। प्रियंका जी के आने पर सीधे यूपी से संबंध प्रियंका जी का हो गया है। अब निश्चित तौर पर प्रियंका जी के आने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में और आम पब्लिक में एक नया मैसेज गया है, नया संदेश गया है। बड़ी उम्मीदें हैं प्रियंका जी से, तो निश्चित तौर पर उनका रुझान बताता है जो कांग्रेस के। सर, हमारे स्वतंत्र प्रभार चैनल के माध्यम से आप अकबरपुर लोकसभा सीट के सभी वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा अकबरपुर लोकसभा के वोटरों से केवल एक ही निवेदन है कि राजाराम पाल ने कभी आने वाले का नाम, जात, दल, धर्म, क्षेत्र नहीं पूछा है, हम केवल काम पूछते हैं। मैं इस लोकसभा के चुनाव में हमारे चाहने वाले, हमारे मानने वाले, हमारे जानने वालों से उम्मीद है कि अगर आपको ऐसा कोई आदमी चाहिए जो जात धर्म से उठ करके सबके लिए काम करने वाला चाहिए, तो राजा राम पाल को जात दल धर्म क्षेत्र के गठबंधन से उठ कर कांग्रेस को वोट देना चाहिए, हमें समर्थन। बहुत बहुत धन्यवाद।